आप जब भी गूगल अलर्ट से कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे एक साउंड जाता है दिस कॉल रिकॉर्डिंग ऑन का, जिससे भी आप कॉल पे बात करते हैं उसको ये पता चल जाता है कि आप उसके कॉल को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन गूगल अलर्ट का एक इंटरफेस चेंज हो चुका है, इससे कॉल रिकॉर्डिंग किसी का भी करेंगे, किसी के पास कोई नोटिफिकेशन ना किसी के पास कोई साउंड जाएगा। गूगल डायलर कॉलिंग इंटरफेस आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे चेंज करेंगे, जिससे भी आप कॉल पे बात करेंगे उसका कॉल रिकॉर्ड करेंगे उसको ये पता नहीं चलेगा कि आप उसके कॉल को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रेडमी का नोट 10 फ़ोन यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलिंग इंटरफेस चेंज करके आपको रेडमी के नोट फ़ोन के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा। वैसे ऐसे आप जितने भी फ़ोन आते हैं जिसमें गूगल डायलर आता है वहाँ पे इस इंटरफेस को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर बड़े आसानी से चेंज कर पाएंगे। आज की वीडियो आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं। तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल डायलर का कॉलिंग रिकॉर्डिंग का इंटरफेस बड़े आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर चेंज कर पाएंगे। इस वीडियो का मकसद है किसी भी प्रकार की इनलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देना नहीं है। इस वीडियो से आप कुछ भी सीखते हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं आप इसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। इसमें मेरे चैनल की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, सारी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल फ़ोन के सेटिंग पर, आपको सेटिंग दिखेगा, आपको सेटिंग पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऐप्स, आपको ऐप से चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सेकंड नंबर पे मैनेज ऐप्स, आपको इस पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए इस तरह आपको नीचे की तरफ चले जाना है। आपको इस तरह दिखेगा फ़ोन, आपको फ़ोन पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अनइंस्टॉल अपडेट, आपको अनइंस्टॉल अपडेट पे आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्लियर डाटा, आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्लियर ऑल डाटा, आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ओके, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप डॉलर ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सेट, आपको सेट पर टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको इसे इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सेट एज डिफ़ॉल्ट, आपको इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर में दिखेगा परमिशन, आपको यहाँ पे सेट पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको एक बार अलाउ पे टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा ड्रॉ ओवर ऐप, आपको इस पर टैप करना है सेट पे। उसके बाद ये लोडिंग लेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, फिर आपको यहाँ पे नीचे चले जाना है इस तरह। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा फ़ोन, आपको फ़ोन पे टैप कर देना है। यहाँ पर आपको दिखेगा अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई देगा, आपको इस बॉक्स पे टैप कर देना है। सबसे लास्ट में आपको दिखेगा MIUI परमिशन, आपको यहाँ पे दिखेगा सेट, आपको सेट पर टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ओके, आपको ओके पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऑटो स्टार्ट, आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा, आपको इस बॉक्स पर टैप करके इसे इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ओके, आपको ओके पर टैप कर देना है। आपको इस डायलर का इंटरफेस कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा थ्री डॉट, आपको थ्री डॉट पर टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा सेटिंग, आपको सेटिंग पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा इनकमिंग आउटगोइंग कॉल, आपको इस पर टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कॉल रिकॉर्डिंग, आपको कॉल रिकॉर्डिंग पे टाइप कर देना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक बॉक्स, आपको इस पर टाइप करके इस बॉक्स को आपको इनेबल कर देना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। इनेबल करने के बाद आपको ओके पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद पूरा बैक पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से एक कॉल लगा लेनी है। कॉल करने के बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा डाउनलोडिंग ऐप, आपको इस पर टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर देना है इस बॉक्स पे क्लिक करके। उसके बाद आपको अलाउ पे टैप करना है, फिर आपको ओके पर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको दिखेगा रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड पे टैप कर देना है। यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है, कोई भी नोटिफिकेशन न कोई भी साउंड किसी के पास नहीं जाएगा। उसके बाद आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, आपको चले जाना है। आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है ट्रूफोन। इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर।